अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रही हूँ घिया विद पनीर, घिया तोरी और पनीर। तो ये मैंने इस प्याज जो है इसको काट लिया है, एक चम्मच जो है मैंने ऑयल का डाला है, तो इसको ज़रा फ्राई होने देती हूँ। जो देखें लाइट से ब्राउन हो गया प्याज, इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ तकरीबन एक चम्मच के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स होने देती हूँ। तो जिस तरह ही साढ़ा लहसुन अदरक जोड़ा हो थोड़ा सा लाइट सा टेस्ट आया है अंदर, उस तो बाद में डाल देनी है पनीर। इसमें ये मैंने जो क्यूब में काट के पहले ही रख लिया था, साथ में भी थोड़ा जो सोते हो जाए लहसुन अदरक प्याज के साथ। बस थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर, ताकि थोड़ा जो टेस्ट आ जाए सारी चीज़ों का और पनीर भी थोड़ा जो कुछ गल जाए। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ मसाले, ये नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया। इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लगती आ रही है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तो ये घिया तोरी है, घिया तोरी और एक टमाटर। अच्छी तरह मिक्स करके एक टमाटर है और तकरीबन 3 जो है वो लंबी वाली घिया तोरी है। ये व्यूवर्स मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया पनीर और घिया, और अब मैं इसको ज़रा 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ, फिर आके देखती हूँ। स्टोव जो है मैंने बिल्कुल मीडियम पे कर दिया, मीडियम से लो। व्यूवर्स देखिए घिया जो है इसने पानी छोड़ा है और ये अब उसी पानी में पक रहा है। स्टोव को थोड़ा सा हम तेज़ कर देते हैं ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि घिया तो फौरन गल जाता है। जी व्यूवर्स देखें इसको हर 2 मिनट बाद हलाती रहूँगी ताकि जो नीचे से बर्न ना हो जाए, नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि फौरन नीचे लगने का खतरा होता है। तो हर 2 मिनट बाद मैं आके हिला रही हूँ। देखो जी पानी पहले ना ही खुश्क हो गया, बिल्कुल थोड़ा जहा रह गया, तो अजय पनीर तो साबत है, लेकिन अगर वो टूट भी गया तो मैं लाइक करूँगी, क्योंकि मिक्स हो जाए तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जी पानी और खुश्क हो गया है और जो आयल है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है।
तो मैं इसको हर 2 मिनट बाद हिला रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है, देखिए मिक्सर अभी नीचे नहीं लगा। मैं हिला रही हूँ बार बार, तो देखिए नीचे नहीं मैंने लगने दिया और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ना, मैं तकरीबन 2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के तो उसको 5 मिनट स्टोव बंद करके दम पे रख दूँगी ताकि कसूरी मेथी और गरम मसाले का टेस्ट इसके अंदर चला जाए। तो ये मसाला रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी लुक आ रही है। देखिए पनीर भी साथ देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आ रही है। तो इसको मैं अब कवर करके 5 मिनट दम पे रख देती हूँ। गरम मसाला भी डाल दिया और कसूरी मेथी और मिक्स कर। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पनीर और कद्दू, घिया तोरी, पनीर और घिया तोरी कितनी अच्छी बनी है। खुशबुएँ बहुत अच्छी आ रही हैं। आ जाए मिलके खाते हैं।